हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, उसके ऊपर। और वो नोट क्या है कि आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखो, लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म, एक तो लीनियर अपॉन लीनियर, और या फिर मैं कहूँ कि कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर, है ना, कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर की फॉर्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर अगर कोई फॉर्म हो तो, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशंस का किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बताने के लिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, और वो क्या, देखो क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें रिपीटेड होती है, तो वो रिपीटेड होती है तो उस उनके सॉल्यूशंस भी एक तरीके से एक रिपीटेड एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही आते हैं, तो उनको लर्न करना ज्यादा आसान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर फॉर्म है एज यू नो ऑलरेडी, और एक होता है सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके की जब भी कभी इक्वेशंस लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म होती है, तो इसका ऐसे फंक्शंस का हमें किस तरीके से डोमेन फाइंड करना होता है ना, और ऐसे फंक्शन का हमें किस तरीके से रेंज फाइंड करना होता है, तो उसके कुछ तरीके डिफाइन किए गए हैं, उन पर विचार करते हैं। तो डोमेन आपको पता ही है, तो एक्स होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, है ना, आप ये देख लो कि डिनोमिनेटर कब जीरो होता है, उसे रियल नंबर के सेट में सेट आ दो, तो ये क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। तो माइनस के डी अपॉन सी को इसमें से जो है रिमूव कर देंगे रियल नंबर के सेट में से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक होता है रेंज, तो रेंज में क्या होता है, देखो वही वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, क्लियर। जब भी कभी इस तरीके से लिखा होता है तो मतलब इस तरीके से फॉर्मूला यूज, ये आएगा फॉर्मूला यूज इसमें, ठीक है ना। अच्छा, या फिर मैं इसको और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखो वाई बिलोंग्स टू, है ना, वाई बिलोंग्स टू रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रियल नंबर के सेट में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या। अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक्स का कोफिशियंट क्या है ए, और डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशियंट क्या है सी, तो यानी ए अपॉन सी को मुझे रियल नंबर के सेट में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ए अपॉन सी को, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसके लिए कुछ क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो क्या है, फर्स्ट दे रखा है हमें क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 अपॉन x+4, 3x+2 अपॉन x+4। अच्छा, सेकंड क्या है, तो सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 अपॉन 2 -7x, 2 -7x, ठीक है। अच्छा, और देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है हमें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3x+8, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ क्या कह रहा है हमें, फोर्थ कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+5 अपॉन 3, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब इस तरीके का जब कभी क्वेश्चन होता है, तो एक मिनट रुको, जस्ट इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अच्छा, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो एक्स बिलोंग्स टू जो फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है रियल नंबर के सेट में से मुझे लेस करना है क्या, माइनस का डी अपॉन सी, डी अपॉन ये ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में, तो माइनस का डी अपॉन सी, दैट मीन्स डी, तो ये हो गया माइनस का डी
अपॉन सी ए एक्स प्लस बी अपॉन, एक मिनट, रियल नंबर के सेट में से हमें क्या लेस करना होता है, माइनस डी अपॉन सी, डी अपॉन सी, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये हो गया डी अपॉन सी, सी क्या है यहाँ पर 1, दैट इज माइनस का 4, तो ये माइनस 4 ही आ जाएगा एज इट इज, राइट, माइनस का 4 ही आ गया, तो ये रियल नंबर के सेट में से मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, और वाई क्या आ जाएगा, वाई वाई बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर का सेट माइनस, फॉर्मूला क्या आता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज 1, और अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज 3, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर दैट इज 1, यानी 3, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट माइनस 3, ठीक है, इस तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, आगे इसको देखो, इसमें भी वही कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में से मुझे माइनस का डी अपॉन सी, तो ये कहाँ होगा, ये होगा 2/7 पे, है ना, 2/7, तो रियल नंबर का सेट माइनस 2/7, तो ये हो गया 2/7, ठीक है। अच्छा, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट माइनस, ये क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज 1, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर दैट इज 7, माइनस तो आ गया, मतलब माइनस का 7 ही होगा, तो ये लो माइनस का 7, क्लियर, तो ये क्या हो गया, माइनस का आर माइनस माइनस के 1/7, ठीक है। अच्छा, अब इसे देखो, तो जो गड़बड़ इसमें कर मत देना, वैसे तो आई होप नहीं हो आपसे गड़बड़, क्या कि देखो ये कांस्टेंट अपॉन लीनियर की फॉर्म है, तो क्यों ना मैं इसे लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म बना दूं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं इसे कैसे लिख दूं क्या बताओ, 0x+4 अपॉन 3x+8, राइट। अच्छा, तो इसका डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पर हम लोग डोमेन और रेंज दोनों ही बताते हुए चल रहे हैं ना। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, देखो रियल नंबर का सेट माइनस माइनस का डी अपॉन सी, यानी -8/3, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -8/3, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगी, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज 0, और अपॉन में चाहे कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर हो जाए 3, तो 0/3 0 ही होता है ना। अच्छा, ये देखो, ये तो वैसे तो जो गलती होने के चांसेस रहते हैं वो ये रहते हैं कि इसको भी आप न्यू +0x लिखने की कोशिश करोगे, तो लेकिन मैं इसमें बता दूं कि ये ऑलरेडी एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 4x/3 प्लस का 5/3, और आपको पता है यहाँ पर एक्स की पावर कुछ नहीं है, तो यानी 1, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो डोमेन और रेंज जो होती है वो हमेशा रियल नंबर में से ही होती है, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, ऐसे कुछ और क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल ही है, और वो क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5 अपॉन 16-6x, 15-6x, 15-6x, है ना। अच्छा, और एक सेकंड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो x²-3x+2 अपॉन x²-8x+7, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसे देखो, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर आपको दिख रहा है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लीनियर अपॉन लीनियर है नहीं, देखो डोमेन निकालने का तो जो तरीका है ना वो तो यही है जो होता आया है, ठीक है, और वो क्या है कि साहब रियल नंबर सेट माइनस डी अपॉन सी, राइट, तो डोमेन के लिए क्या करें, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट माइनस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
माइनस डी अपॉन सी, सी एक्स प्लस डी, तो माइनस का 15/6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, माइनस के 5/2, है ना। तो अच्छा ये जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये पॉजिटिव में ही आ जाएगा ये, तो क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव 5/2 होने की बजाय ये हो जाएगा पॉजिटिव 5/2, तो ये हो जाएगा कितना, 5/2। तो ये तो हो गया देखो डोमेन, बट रेंज निकालना इतना आसान नहीं है। आपको जो लग रहा है वो इसमें क्या लगेगा भाई, वाई बिलोंग्स टू, जो लग रहा है आपको है ना, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट माइनस, रियल नंबर का सेट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज 2, और कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ऑफ एक्स इन इन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर दैट इज -6, तो 1/3 माइनस का, तो रियल नंबर का सेट माइनस माइनस का 1/3, ऐसा आपको लगेगा। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये रॉन्ग है। अच्छा फिर सही क्या है, तो देखो एक चीज गौर करो, ये जो है ना, ये इसको बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि ये जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं है भाई। ये एफ ऑफ एक्स को एक मिनट के लिए आप वाई मान लो, तो ये क्या लिखा है, ये कुछ ऐसा ही तो लिखा है कि वाई इक्वल टू 2x-5/15-6x, तो 2x-5/ ये जो लिखा है ना 15-6x, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 5-2x, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे बट -1 आएगा, तो इट मीन्स इज इक्वल टू -1/3। तो ये तो अच्छा, और तो ये सिंपली हो गया कि y बिलोंग्स टू -1/3, ये होगा इसका क्या रेंज होगी ये, ठीक है। अच्छा अब बड़े ही गजब के तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको एक मिनट दे दो मैं इसको सही कर दूं। ये लो अब देखो इसे किस तरीके से करना है, देखो ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले तो देखो वही, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो डोमेन है ना वो तो आपको पता है सिंपली तरीके से आ जाती है, तो उसके लिए तो क्या करना है, देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स सिंपल, चलो चलो इस तरीके से बता देते हैं। देखो डोमेन तो आपको पता है सॉल्व करने से पहले का तरीका होता है ना, सॉल्व करने से पहले का तरीका होता है, तो डोमेन इसकी तो कितनी हो जाएगी, कोफिशियंट ऑफ एक्स नहीं -d/c, लेकिन अगर गौर करोगे आप तो ये तो देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म दिख रही है आपको, दिख रही है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -3x+2, चलो इसको दोबारा लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, मैं यहीं पे इसके फैक्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x-2 × x-1, है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा x-1 और x-7, ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा, इससे साहब ये x-1 और ये x-1 तो कट जाएगा, x-1 और x-1 कट जाएगा। अरे यार इससे क्या हो रहा है, ये लो x-1 और ये x-1, ये तो कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, x-2/x-7, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-2/x-7, ठीक है। अच्छा अब इससे क्या मिला, देखो अब एक चीज, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। पहली बात तो अब ये यहाँ पर लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ क्या हम इसका डोमेन बता कर सकते हैं क्या, वो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट माइनस ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, x-2 = 7, यानी एक तो 7 पे जीरो हो रहा है, और माइनस डी अपॉन सी,
सी ए वो क्या होता है वन, तो ये कितना आ जाएगा देखो, एक्स माइनस टू वन कॉमा सेवन, वन कॉमा सेवन। इसको पता करने के लिए क्या करें देखो, डोमेन के लिए एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस सेवन दिया हुआ है ना, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस सेवन। तो डोमेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डोमेन का हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है रियल नंबर सेट माइनस माइनस का डी अपॉन सी, मतलब डिनोमिनेटर जहाँ जीरो होता है। डिनोमिनेटर कहाँ जीरो होता है हमारे पास भाई, एक्स बराबर वन और सेवन पे ये होता है, सॉल्व करने से पहले की बात होती है ये तो, है ना, पता है ना ये चीज़ तो, सॉल्व करने से पहले का भाई काटो मत 2 मिनट के लिए इसको। तो ये कुछ यही फॉर्म हो गई, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस सेवन, तो यानी ये वन और सेवन पे जीरो होता है। हमारा यही तो फंडा था कि हम यही तो पता करते थे कि डिनोमिनेटर कहाँ जीरो होता है, तो वन और सेवन पे जीरो होता है। तो ये रियल नंबर के सेट में से एक तो वन और एक के सेवन को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यही चीज़ इसमें देखो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने वाली है, तो इसलिए इसमें हमारे पास समय लगा है। देखो नोट करने वाली बात क्या है कि जो जो वैल्यू हमने है ना हटाई है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैल्यू आपने हटाई है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है काटने पर या कट करने पर, जो वैल्यू आई है, है ना, या कट करने से पहले जो वैल्यू आई है, कट करने से पहले जो वैल्यू आई है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस बात का मतलब क्या है देखो, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें भाई, मैं ऐसे कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ इसमें देखो आप वन तो भाई सेवन तो रख नहीं सकते, क्योंकि देखो सेवन माइनस सेवन तो क्या बोलते हैं जीरो, और वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाता है ना। अच्छा तो वन रख दे क्या, देखो अगर वन रखोगे इसमें एक बार वन रख के देखो, वन अगर आप यहाँ पर रखते हो एक्स इक्वल टू, वन अगर आप यहाँ रखते हो तो इसको 2 मिनट के लिए वाई मान लो, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन वन माइनस सेवन, तो दैट इज माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स, तो ये हो गया कितना 1/6। तो इसमें अगर आप रेंज का फॉर्मूला लगाते हो तो वो क्या होता है, वाई बिलोंग्स टू, देखो ध्यान से, वाई बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ये रियल नंबर सेट माइनस, है ना, अच्छा माइनस। अब फॉर्मूला क्या था, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, तो वो तो वन ही हो रहा है, तो वो तो वन तो लिख दिया मैंने कॉमा। अब इसमें एक बार अगर सिर्फ अगर आप यहीं पे ही छोड़ देते हो, तो ये आंसर आपका अधूरा है। क्यों अधूरा है, देखो 1/6 मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये नोट देखो क्या लिखा है, इसलिए एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या कट करने से पहले जो वैल्यू आई है, ये कट करने से पहले की है ये वैल्यू, या कट करने से पहले या कट करने पर, है ना, कट करने पर सही लिखा था यानी पहले, देखो कट करने पर जो वैल्यू आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करना होता है। भाई कट करने पर जो वैल्यू आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कट करने किसको कट कराया आपने, वन को कट कराया ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है यानी एक्स बराबर वन पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/6, उसे भी सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 1/6 को भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/6 को, 1/6। तो ये तो रियल नंबर सेट माइनस 1, 1/6, ठीक है ना, ये इस तरीके से होगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से बता दूँ ये चीज़, ये कह रहा हूँ मैं कि भाई इसमें तो सबसे पहले देखो आपको ये कट तो कर ही दिया, डोमेन के टाइम पे आपने क्या किया इसमें, देखो डोमेन के टाइम पे आपने क्या किया, ये जो लिखी हुई है ये एक्स बिलोंग्स टू, जो डोमेन लिखा है इसमें क्या है, रियल नंबर का सेट माइनस इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, इसको जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो जाहिर सी बात है 1 और 7 आएंगे, तो रियल नंबर के सेट में से मैंने 1 और 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए। और ये तो हो गई हमारी क्या डोमेन, ये तो क्या हो गई हमारी डोमेन, है ना। रेंज कैसे पता करेंगे, इसे काट दिया, लेकिन एक बात याद रहे, x-2/x-7 आ तो गया, बट यहाँ पर है ना देखो 1 तो आप पुट कर नहीं सकते, 7 तो वैसे ही नहीं कर सकते खैर, लेकिन 1 रख के देखते हैं जरा। देखो 1-1-2-1-1-7-6-1/-6 कट करने पर हो गया 1/6, तो 1 तो सब वैसे नहीं रख सकते हैं, 1 तो वैसे ही कभी नहीं आएगा, है ना। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1/6, इसे भी हमें रिमूव करना होता है। तो ये इस तरीके से होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बाकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।